Thank you हेलो स्टूडेंट्स एम सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल एम सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत टुडे वी आर गोइंग टू डू जोमेट्रिक प्रोग्रेशन जी पी एब्रीविएटेड एट जी पी जोमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या तो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड एंड बिफोर टेकिंग दैट एग्जाम्पल लेट सी वाट आर वी गोइंग टू कवर इन टूडेज सेशन वी आर गोइंग टू कवर डेफिनेशन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन का देन वी विल कवर जनरल टर्म ऑफ अ जी पी एन एथ टर्म हम कहते हैं उनको एन एथ टर्म हम निकालेंगे जी पी का ठीक है देन वी विल मूव ऑन टू फाइंड सम ऑफ एन टम्स ऑफ अ जी पी अगर कोई जी uh, पी का एनटम्स हमें दिया हुआ है तो हम उनके सम कैसे निकालेंगे ये हम पता करेंगे देन वी विल मूव ऑन टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन जैसे हमने अरिथमेटिक मीन निकाला था ए पी वाले सेशन में उसी तरह से हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे एंड लास्टली वी विल फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम ए एम और जी एम के बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ठीक है अब हम उस एग्जाम्पल पे जाते हैं जैसे मान रखिए कि आपके पास कोई एक एग्जाम्पल है सीक्वेंस uh, की टू फोर एट सिक्सटीन इस तरह का तो इसमें जो है अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है कि कोई भी टर्म अपने प्रीवियस टर्म का डबल हो रहा है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म तो इनिशियल टर्म uh, है तो टू से ये फोर पे जाने के लिए ट्वाइस हो रहा है फोर टू से एट हो रहा है एट से सिक्सटीन हो रहा है तो देर इज़ नो प्रॉब्लम इफ वी नीड टू गेस द नेक्स्ट टर्म इट विल बी थर्टी टू ऑब्वियसली एंड देन वी विल वी कैन गेट एनी एथ टर्म मतलब कोई भी पोजिशन वाले टर्म को हम निकाल सकते हैं पर यही है जी पी तो इसका जो जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो जनरल डेफिनेशन हम अगर करें तो डेफिनेशन इसका ये हो सकता है कि uh, कोई भी अगर आपके पास सिक्वेंस दिया हुआ है विच कैन बी रिप्रजेंटेड एज ए आर स्क्वायर ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन लाइक वाइज इफ वी प्रोसीड वी कैन गेट टू ए आर पावर एन माइनस वन राइट देर इज नो प्रॉब्लम विद इट तो दिस इज दीक है तो यहां पर दो चीजें हो गई हो जाएगी दो चीजें कवर हो गई एक तो डेफिनेशन ऑफ एथमेटिक प्रोग्रेसन ये हो गया कि इफ इन अक्वेंस वी हैव टर्म्स कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ द प्रीवियस टर्म सम कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ प्रीवियस टम जैसे ए है तो ए आर हो गया यानी कि इसमें आर से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा ए आर मिलेगा फिर सिमिलर थिंग विल हैपन हेयर वेन यू विल मल्टीप्लाई ए आर विद आर यू विल गेट ए आर स्क्वायर एंड सिमिलरली यू विल मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर विद आर टू ऑप्टेन ए आर क्यूब राइट तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ईच टर्म मतलब वी कैन डिफाइन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन लाइक सिक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑप्टेन बाई मल्टीप्लाइंग सम कॉन्स्टेंट टू द प्रीवियस टर्म ठीक है ये हो गया नम इज डिफाइंड एज ए एन और समाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टी एन एंड इट इज रिटर्न लाइक ए आर पावर एन माइनस वन देर इज नो प्रॉब्लम विद इट यही हमारा एनेथ टर्म ऑफ आर जी हो गया ठीक है तो यहां पर आर की पावर में चेंजेज हो जाता है जबकि आपने देखा था एपी में क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था उसका एनेथ टर्म नो प्रॉब्लम विद इट देन कम्स जनरल टर्म तो हमारा हो गया उसके बाद जो है सम टू एंड टर्म्स ऑफ अ जीपी निकालते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लेट एस से अगर सम डिनोट करा रहे हैं तो ए या एस एन से करा लेते हैं ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इस तरह से हमारा होगा और एन टर्म्स का हमें अगर सम करना है तो हम इसमें लास्ट टर्म ए आर पावर एन माइनस वन भी लगा देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब जो है अगर हम यहाँ पर देखिए दो केसेस हो जाएंगे केस वन ये है कि आर इज इक्वल टू वन अगर आर आपका वन के बराबर है तो एस एन क्या होगा तो यहाँ पर ए ये भी आर वन है चूंकि तो ये भी ए ही रह जाएगा ये भी ए ही रह जाएगा समझ रहे हैं क्योंकि वन स्क्वायर भी तो वन ही होगा और वन इन टू ए ए ही आएगा तो इस तरह से ये एन टाइम्स तक टू एन टर्म्स एन टर्म्स तक ये एड अप हो जाएंगे तो हमें जो मिलेगा इसमें वो इनका सम क्या हो जाएगा एन ए हो जाएगा तो ये तो वन के लिए हो गया अब हम केस टू कंसीडर करते हैं केस टू में है कि अगर आर जो है नॉट इक्वल टू वन है ठीक है तो एस एन हम कैसे फॉर्मूला निकाल सकते तो एस एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एन सोन लास्ट ए आर पावर एन माइनस वन यहां तक कोई दिक्कत नहीं है फिर हम एक काम करते हैं ये जो आर है ना आर से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं मतलब इस इक्वेशन के दोनों साइड हम आर से मल्टीप्लाई करा देते हैं इट इक्वेशन वन नो प्रॉब्लम विद इट इक्वेशन वन हम इसको सपोज कर लेते हैं आर से हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो आर इंटू एस एन जो है वो हो जाएगा ए आर तो लेटस लीव दिस पोजिशन एंड राइट इट हैर तो यहाँ पर हम ए आर लिख देते हैं फिर ये ए आर को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर इसको जब आर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए आर क्यूब हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करके हम लिखते नहीं हैं मान रखिए उसको हम डॉट 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 में कन्वर्ट करा दिया ए आर पावर एन माइनस वन और एक और आएगा ये क्यों आएगा, आएगा आपको भी पता चल रहा होगा और ये इक्वेशन टू हो गया समझ गए बात को हमने आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म छोड़ करके मतलब ये पोजिशन हमने ब्लैंक रख दिया और बाकी फिर हमने टर्म वाइज लिखते गए तो हमारे पास जो लास्ट में आएगा वो एक आएगा ए आर पावर एन माइनस वन और एक आएगा ए एन टू आर पावर एन नो प्रॉब्लम विद इट फिर हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कराते हैं ठीक है तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा देखिए हम माइनस करा रहे हैं तो अब सब जगह माइनस लगाने की बजाय एक जगह लगा दिया यहाँ पर लेफ्ट में लगाया हुआ है तो ये क्या आ जाएगा ये आएगा वन माइनस आर और एस एन कॉमन आ जाएगा ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जबकि यहाँ पर क्या आएगा ए आएगा फिर ये ए आर कैंसिल हो जाएगा ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ए आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा ए आर पावर एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और ये लास्ट वाला बचा रहेगा ठीक है तो ये आ जाएगा ए आर पावर एन समझ में आ रही है बात अब जो है यहाँ पर वन माइनस आर इन टू एस एन इज इक्वल टू ए अगर हम कॉमन ले लें तो वन माइनस आर पावर एन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से एस एन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा एस एन मिलेगा हमें ए वन माइनस आर पावर एन और अपॉन में मिल जाएगा वन माइनस आर ठीक है या फिर इसको और भी हम क्या लिख सकते हैं तो हम एस एन इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं एस एन हम लिख सकते हैं ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इट इज़ वेरी सिंपल वन क्या हुआ कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लें तो इनके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे आर पावर एंड माइनस वन विल इट विल बिकम एंड इट विल बिकम आर माइनस वन तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा तो so, या तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं या ये फॉर्मूला लगाते हैं तो so, हम जो है ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमारे पास आर की मॉड आर की वैल्यू जो है लेस देन वन हो या इन शॉर्ट ये कहिए कि आर की वैल्यू अगर माइनस वन से लेकर वन के बीच में अगर है ठीक है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और अगर यहाँ पर क्या है कि आर जो है लेस देन माइनस वन हो जाए या फिर आर ग्रेटर देन वन हो जाए तब हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं ठीक है समझ में आई बात ताकि वो माइनस का चक्कर ना आए ऐसे आपने देखा कि ये दोनों ही फॉर्मूले जो हैं वो एक ही तरीके से ले आ रहे हैं हम तो वी आर फ्री हम कोई भी लगा लें तो भी हमें आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है इतना तो समझ में आ गया अब जो है हम एक काम और करते हैं हम सम टू इन्फिनाइट टर्म भी निकालते हैं सम टू इन्फिनाइट टर्म के लिए क्या होगा कि जैसे पहले तो ये देखिए एस इनफिनिटी किसका निकलेगा जिसका कि कॉमन रेशियो जो है ना जो आर है वो हमारा वन से कम हो मतलब ये वाला इस वाले कैटेगरी में आएगा ठीक है आर अगर वन से कम है और आपने यहाँ पर लिमिट निकाल दिया एन टेंस टू इंफिनिटी के लिए तो ये कुछ आ जाएगा वन आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर तो ये जो आर पावर एन है ना एन टेंडिंग टू इंफिनिटी की वजह से जीरो हो जाएगा क्योंकि आर जो है लेस देन वन है ठीक है तो यहाँ पर जो हम इवेलुएट कराएंगे तो यहाँ पर सीधा ऊपर जो है ए ही बचा रहेगा नीचे वन माइनस आर बचा रहेगा यहाँ पर आप लिखेंगे एज आर इज लेस देन वन ठीक है यहाँ पर एज आर इज लेस देन वन लिख देंगे तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सम टू इन्फनाइट टर्म ऑफ अ जीपी है वो ए बाय वन माइनस आर आपको मिलेगा ठीक है चलिए अब अगला कंसेप्ट करते हैं जो कि ज्योमेट्रिक मीन है ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो पहले ज्योमेट्रिक मीन हम समझ लेते हैं कि जी है क्या तो जी बेसिकली क्या है जी है हमारे पास जैसे हमने ए एम को डिफाइन किया था ऑन द सेम लाइन वी विल डिफाइन जी जैसे अगर आपके पास ए है और बी है ठीक है तो इसके बीच में अगर x है तो ये x जो है वो जी एम होगा ज्योमेट्रिक मीन होगा अगर ए एक्स और बी जो है वो जी पी बना रहे हैं तो ठीक है मतलब हम इनको एक्सट्रीम कहेंगे एक ये एक्सट्रीम हो गया और ये एक्सट्रीम हो गया तो दो एक्सट्रीम हो गए बाकी मीन तो चाहे जितने हो सकते हैं पर अगर हम सिंगल मीन कंसिडर कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन तो सिंगल जोमेट्रिक मीन ये होगा कि a बाय एक्स जो है वही हमारा x बाय बी के बराबर आना चाहिए ठीक है इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास x की वैल्यू जो है रूट अंडर ऑफ ए बी के बराबर होगा अगर आप इसको सॉल्व करने बैठे ना तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है और फिर जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो आपको स्क्वायर रूट आएगा और एज अ रिजल्ट आपको एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी आ जाएगा तो यही हमारा जी एम है जी एम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी है ठीक है बट हमें जो है अगर मोर देन वन इंसर्ट करना होगा तो हमें फिर वही जो ए पी में हमने टेक्निक लगाया था कि हमने टर्म निकाला फिर उसको यूज़ करके डी निकाला था यहाँ पर हम जो है एन एट करके उसको फिर आ, आर निकालेंगे फर्स्ट टर्म तो हमें अवेलेबल रहेगा आर कॉमन रेशियो निकालने के बाद फिर हम उससे फर्स्ट को मल्टीप्लाई करा करके जी एम से निकालेंगे जी एम से निकाल पाएंगे हम ठीक है अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं हमें निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम देखिए अगर हम दो नंबर्स कंसिडर करें ए और बी ठीक है ए और बी हमने कंसिडर किया तो मान रखिए कि ए एम को हमने ए से रिप्रेजेंट करा दिया तो ए जो होगा वो क्या होगा तो ए प्लस बी बाई टू होगा और ज्योमेट्रिक मीन को हमने अगर जी से रिप्रेजेंट करा दिया तो वो रूटर्नर ऑफ ए भी होगा अभी हमने इसको डिस्कस किया था तो हमारे पास ये जो डिस्कशन है कि क्या रिलेशनशिप होगा मतलब हमें ये देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है इस तरह से तो हम यहाँ पर a माइनस जी निकाल लेते हैं ये पता करने के लिए कि कौन बड़ा है अगर मान रखिए a माइनस जी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है तो g बड़ा हो गया अगर a माइनस जी पॉजिटिव आता है तो a बड़ा हो गया और अगर a माइनस जी ज़ीरो आ जाता है तो दोनों बराबर हो जाएंगे ठीक है तो जब भी आपको ये कंपेरी कंपेरेटिव स्टडी करनी होती है तो आप सबट्रैक्ट करा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया ए प्लस बी बाई टू माइनस रूट अंडर ऑफ ए बी हो गया फिर जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए प्लस बी माइनस टू रूट अंडर ऑफ ए बी और अपॉन में क्या आएगा अपॉन में आ जाएगा टू ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है फिर जो है ये ए को आप क्या लिख सकते हैं रूट अंडर ए का स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर बी का स्क्वायर ठीक है और माइनस टू रूट अंडर ऑफ ए इंटू रूट अंडर ऑफ बी इज देयर नो प्रॉब्लम विद इट एंड अपॉन में टू है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब अगर आप देखिए तो ये सब करने के बाद हमें ये जो न्यूमरेटर में है चीज़ें वो किसी का होल स्क्वायर बन चुकी हैं वो है ए प्लस रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर राइट माइनस क्यों क्योंकि ये माइनस टू ए बी है तो रूट अंडर ऑफ माइनस रूट अंडर ऑफ बी का होल स्क्वायर एंड अपॉन टू विल आल्सो बी देयर कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम जो है जानते हैं कि किसी का स्क्वायर जो है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना कितना छोटा से छोटा अगर हो तो हम इसको जीरो ले सकते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसका यह मतलब हो गया कि ये जो ए माइनस जी है ए माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए एम है ठीक है ए एम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम ए एम जो है हमेशा जी एम से बड़ा होगा ओके okay? किसी भी दो नंबर को अगर दो रियल नंबर्स को अगर हम कंसीडर करें तो अरेथमेटिक मीन बिटवीन देम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दैम राइट ठीक है तो इस तरह से हमने आज जो है ये कंसेप्ट देखे डेफिनेशन देखा जनरल टर्म देखा सम टू एंड टर्म्स देखा ज्योमेट्रिक मीन और फिर रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम निकाला ठीक है तो ये जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें हमने कर ली और सम टू इन्फिनाइट टर्म ऑफ अ जी पी भी हमने निकाला तो इस तरह से हमने लगभग सारी चीजें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कर ली अब जो जो चीजें हमने सीखी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा जो ये कंसेप्ट लर्निंग प्रोसेस है वो कॉन्सोलीडेट हो जाए पक्का हो जाए लेटेस्ट सी क्वेश्चन नंबर वन विच स्टेट्स फाइंड द टेंथ एंड टर्म्स ऑफ द जी फाइव ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव एंड सो ऑन तो यहाँ पर एक जीपी है ये तो उन्होंने खुद ही दिया हुआ है और ऐसे भी हम भी खुद डिसाइड कर सकते हैं कि फ़ाइव को जब हम हाइव से मल्टीप्लाई कराएंगे ट्वेंटी फाइव आएगा ट्वेंटी फाइव को फाइव से कराते हैं वन ट्वेंटी फाइव आता है तो ये गिवन जीपी तो है हमारे पास तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फर्स्ट टर्म यानी कि फाइव लिख सकते हैं कॉमन रेशियो के लिए आप इनको डिवाइड करा करके लिख सकते हैं तो ट्वेंटी फाइव बाई फाइव जो कि हमें फ़ाइव मिल जाएगा तो कॉमन रेशियो भी हमें फ़ाइव मिल गया अब हमें अगर टेंथ टर्म लिखना है मतलब ए टेन लिखना है फाइन द टेंथ टर्म है तो वो हो जाएगा ए आर पावर नाइन ठीक है आर माइनस वन होता है ना आर पावर एन माइनस वन होता है एन हमारा टेन है ठीक है तो यहाँ पर टेन माइनस वन नाइन हो जाएगा तो ए आर पावर नाइन हो जाएगा ए है फाइव और आर भी फाइव है तो फाइव पावर नाइन यानी कि फाइव पावर टेन हो जाएगा क्योंकि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को हम ऐड करा देते हैं तो यहाँ फाइव की पावर वन है तो वन प्लस नाइन टेन हो जाएगा तो यही हमारा टेंथ टर्म हो गया लेट अस फाइंड द सेकेंड पार्ट मतलब एन टर्म हमें फाइंड करना है वो हो जाएगा ए आर पावर एन माइनस वन अगेन ए हमारे पास फाइव है आर हमारे पास फाइव है एन माइनस वन सॉल्व कराएंगे तो फाइव पावर एन और यही हमारा एन टर्म हो गया ठीक है क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है विच टर्म ऑफ द जीपी टू एट थर्टी टू सो ऑन अप टू एन टर्म्स इज वन थ्री वन जीरो सेवन टू हमें यह पता करना है कि कौन सा टर्म जो है इस वाले जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है वन थ्री वन जीरो सेवन टू है तो इसका सबसे पहला काम तो यह है कि लेट एनेथ टम बी वन थ्री वन जीरो सेवन टू ठीक है अब जो है हेयर अगर आप गिवन जीपी को देखें तो यहां पर क्या है ए हमारा टू है और कॉमन रेशियो हमारा फोर है ठीक है तो हम जो है यहां पर इसको ब्रेक कराने की कोशिश करते हैं तो एनेथ टर्म अगर हमने वन थ्री वन जीरो सेवन टू माना है तो यहाँ पर हम ऐसे चल सकते हैं कि सिंस ए एन इज इक्वल टू वन थ्री वन जीरो सेवन टू देर फोर ए आर पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू वन थ्री वन ज़ीरो सेवन टू ठीक है अब ए हमारा टू है तो यहाँ पर टू आर पावर एन माइनस वन जो है वन थ्री वन जीरो सेवन टू हो जाएगा टू से हम डिवाइड करा देते हैं तो ये आ जाएगा वन थ्री वन जीरो सेवन टू डिवाइडेड बाय टू तो यह आ जाएगा टू सिक्स जा ठीक है फिर टू फाइव जा फिर टू फाइव जा और फिर टू थ्री जा और टू सिक्स जा ठीक है तो यह आ गया सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स ये आ गया हमारे पास आर पावर एन माइनस वन की जगह पे जब हमने इसको टू से डिवाइड कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आर जो है हमारा क्या है फोर है यानी कि हम सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स को फोर के पावर में क्या लिख सकते हैं वो पता करना चाहते हैं तो हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की जगह फैक्टर ऑफ फोर निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स है फोर से हम खाली कैंसिल करेंगे यहां पर मतलब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में तो आप कोई भी प्राइम नंबर लेते हो यहाँ पर हमें प्राइम नहीं फोर के फैक्टर्स बनाने हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इसको फोर के पावर में लिखना है ठीक है यानी कि यहाँ पर आर पावर एन माइनस वन है यहाँ पर हम फोर लिख लेते हैं और इस पर क्या आएगा वो हम पता करना चाहते हैं फोर से हम कैंसिल कराते हैं यहाँ पर फोर ये आ जाएगा सिक्सटीन फिर यहाँ पर आ जाएगा फोर थ्रीजा ट्वेल्व हो गया फोर एट जा थर्टी टू हो गया फोर फोर ज़ा ये आ गया फिर यहाँ पर फोर से कैंसिल कराएंगे, फोर फोर जा सिक्सटीन फिर ये कैंसिल होगा नहीं फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स और फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर ठीक है फिर यहाँ फोर से कैंसिल कराएंगे तो वन ज़ीरो टू फोर ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं फिर फ़ोर से कराएंगे फोर टू ज़ा एट फिर यहाँ पर फोर फाइव जा ट्वेंटी और फोर सिक्स ज ठीक है फिर फोर तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्स और फोर ठीक है फिर फोर कराएंगे तो ये सिक्सटीन आ जाएगा फिर फोर कराएंगे तो ये फोर आ जाएगा और फिर फोर कराएंगे तो ये वन ही आ जाएगा समझ में आई बात तो इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहां पर क्या हो जाएगा एट हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट राइट तो ये हमारे पास एट आ गया जो कि एन माइनस ये आर है तो आर तो फोर है तो हमारे पास एन माइनस वन जो है कितना हो जाएगा एट हो जाएगा तो एन इज क्वा तो देअर फोर नाइन्थ टर्म ऑफ द गिवन जीपी सो नाइन्थ टर्म ऑफ द गिवन जीपी इज वन थ्री वन जीरो सेवन टू समझ में आई बात लेटेस्ट नो सी क्वेश्चन नंबर थ्री इन अ जी द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192 फाइंड द टेंथ टर्म वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल यहां पर थर्ड टर्म दिया हुआ है 24 ठीक है ए थ्री हमें कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है जो कि किसके बराबर होता है ए आर स्क्वायर के बराबर होता है इसको लेटेस्ट सपोज इक्वेशन वन एंड सिक्स टर्म एज 192 मतलब ए सिक्स जो है वो 192 के बराबर है तो ए आर पावर फाइव हो जाएगा ए सिक्स की जगह पे 192 हो गया इसको इक्वेशन टू सपोज कर लीजिए फिर जो है डिवाइड करा दीजिए डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन वी ऑप्टेन ठीक है तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा ए आर पावर फाइव ये ऊपर आएगा फिर ये ए आर स्क्वायर नीचे 192 नाइन्टी टू बाय ट्वेंटी हो जाएगा तो यहाँ पर अगर देखिए तो ये ए कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा आर क्यूब ये आ जाएगा 8 ठीक है 24 से 8 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 8 को हम टू क्यूब लिख सकते हैं एक्चुअली यहाँ आर क्यूब है तो हम एट को भी किसी का क्यूब लिखना चाह रहे थे तो वो टू हमें आ गया इंस्टेंटली तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू कितना आ गया टू आ गया यानी कि कॉमन रेशियो जो है हमारा इसमें टू आ चुका है अब हमें फर्स्ट टर्म का भी पता करना है फर्स्ट टर्म के लिए हम ये आर इज इक्वल टू टू जो हमने अभी ऑप्शन किया वो इक्वेशन वन में या इक्वेशन टू में किसी में भी डाल सकते हैं तो यहां पर सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन वन कर लेते हैं क्योंकि वहां पर पावर कम है तो वी गेट हमें क्या मिलेगा तो यहां पर ए आर स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो ए इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर व फोर हो जाएगा जो कि सिक्स हो जाएगा ठीक है तो यहां पर ए सिक्स आ गया ए इज इक्वल टू सिक्स आ गया अब हमें निकालना है टेंथ टर्म फाइंड द टेंथ टर्म देखिए आप क्वेश्चन में देखिए फाइंड द टेंथ टर्म राइट तो हम टेंथ टर्म निकालना चाह रहे हैं तो ए टेन हमें निकालना है तो ए टेन के लिए हम क्या करेंगे ए टेन हमें निकालने के लिए फॉर्मला लगाना पड़ेगा ए टेन इज इक्वल टू ए आर पावर नाइन हो जाएगा ए है हमारा सिक्स आर है टू पावर नाइन हो जाएगा ठीक है तो ये आ गया सिक्स इंटू टू पावर नाइन इज फाइव हंड्रेड ट्वेल्व तो ये आ जाएगा थ्री जीरो सेवन टू ठीक है तो थ्री जीरो सेवन टू इज द टेंथ टर्म ऑफ द गिवन जी जिसका थर्ड टर्म 24 है और सिक्स टर्म 192 है क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जी पी इज थर्टीन बाय ट्वेल्व एंड देयर प्रोडक्ट इज माइनस वन फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स हमें कॉमन रेशियो भी निकालना है और टर्म्स भी निकालना है ठीक है पहली बात अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं तो हम तीन टर्म्स जीपी में कैसे सपोज करते हैं तो हम जो है तीन टर्म्स सपोज़ करते हैं लेट थ्री टर्म्स ऑफ द जीपी पी बी ए बाई आर एंड ए आर ऐसा हम इसलिए सपोज़ करते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है जब हम इनका प्रोडक्ट कराएं तो हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा रहे हैं। अभी देखिए ए और आर दो वेरिएबल्स हैं जैसे ही आप इनको प्रोडक्ट कराएंगे तो आर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म में बचा रहेगा ठीक है तो हम प्रोडक्ट वाला यूज़ करके ए की वैल्यू स्टेट अवे निकाल सकते हैं ठीक है तो देर फोर यहाँ पर जो सम है मतलब यहाँ पर फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम है तो ए By आर प्लस ए प्लस ए आर जो है आपका वो थर्टीन बाय ट्वेल्व ये तो होगा ही दूसरा जो है हमें ए बाय आर इन टू ए इंटू ए आर इज इक्वल टू माइनस वन इससे ये आर कैंसिल हो गया ए क्यूब माइनस वन के बराबर हो गया तो ए माइनस वन के बराबर हो गया ठीक है क्योंकि माइनस वन का क्यूब जो है हमारा माइनस वन होता है ठीक है इतना समझ में आ गया अब हम अगर माइनस वन इसमें डाल दें वन में तो सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग ए इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन वी गेट तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन बाय आर माइनस वन माइनस आर इज इक्वल टू थर्टीन बाय ट्वेल्व अब हमें इनको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा तो माइनस वन माइनस आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर एज इक्वल टू थर्टीन बाई ट्वेल्व हो गया ठीक है इतना समझ में आ गया अब जो है हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फुल फ्लेजेड चेंज करेंगे तो ये ट्वेल्व से मल्टीप्लाई होगा माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व आर माइनस ट्वेल्व आर स्क्वायर एज इक्वल टू थर्टीन आर और ये फिर आ जाएगा ट्वेल्व आर स्क्वायर फिर ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव आर और प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया देखिए आपको अब जो है आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो ट्वेल्व आर स्क्वायर प्लस सिक्सटीन आर प्लस नाइन आर प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो पहले दो से फोर आर हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा थ्री आर और प्लस फोर हो जाएगा जबकि इन जो थर्ड और फोर्थ से हम थ्री कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर थ्री आर प्लस फोर हो जाएगा और ये इक्वल टू तो जीरो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम जो है फैक्टराइज कर पा रहे हैं वो हो गया थ्री आर प्लस फोर और एक आ गया फोर आर प्लस थ्री इक्वल टू तो जीरो तो एक आर आया माइनस फोर बाय थ्री दूसरा आया माइनस थ्री बाय फोर अगर आप इसको इक्वल टू जीरो कराएंगे तो माइनस फोर बाय थ्री आएगा जब इसको कराएंगे तो माइनस थ्री बाय फोर आएगा तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए फाइंड द कॉमन रेशियो तो कॉमन रेशियोज तो हमारे पास ये दोनों आ गए ठीक है ये हमारा आंसर हो गया एंड द टर्म्स भी निकालने हैं तो टर्म्स के लिए हम यहाँ पर यहाँ पर जैसे टर्म्स होगा तो दोनों ही लिखने पड़ेंगे तो टर्म्स हमारे पास जैसे माइनस वन और अगर हम माइनस फोर बाय थ्री लेंगे तो जब डिवाइड कराएंगे तो ये पहले बारी में फोर बाय थ्री आएगा माइनस वन आएगा और फिर ये थ्री बाय फोर हो जाएगा जबकि दूसरे बारी में ये उल्टा होगा क्या होगा पहले ये यहाँ पर ये फोर बाय थ्री आ जाएगा ठीक है जबकि दूसरे बारी में फोर बाय थ्री पहले आ जाएगा और फिर माइनस वन और थ्री बाय फोर आ जाएगा ये आप लिख करके देख करके पता कर सकते हैं पहले आप इनको सॉल्व करिए तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या है यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालना था और टर्म्स निकालना था तो टर्म्स हमारा थ्री बाय फोर माइनस वन एंड फोर बाय थ्री आया या फिर उसको हम जब दूसरे तरीके से मतलब दूसरा वाला रेशियो लेके निकालते हैं क्योंकि हमें ए तो माइनस वन ही लेना है बोथ द केसेस के लिए तो दूसरे वाले से फोर बाय थ्री माइनस वन और थ्री बाय फोर आएगा क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस सेवन सेवेंटी सेवन 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 टू एन टर्म्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है तो इसमें सबसे पहला काम कीजिए कि आप एस इज इक्वल टू सेवन प्लस सेवेंटी सेवन प्लस सेवन 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 प्लस सेवन 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 प्लस सो ऑन यहाँ पर टू एन टर्म्स लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हमने ऐसे तैयार कर लिया ठीक है उसके बाद जो है दिसम्पलाइज एस इज इक्वल टू अगर हम सेवन कॉमन ले लें तो यहाँ वन इलेवन वन 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 प्लस सो ऑन टू एन टर्म्स हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में हमें नाइन से इसको मल्टीप्लाई कराना है अभी आपको जब हम इसका अगला करेंगे अगला स्टेप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाइन से ही हमें क्यों मल्टीप्लाई कराना है ये टू एन टर्म्स हो गया फिर हमने इस नाइन को टेन माइनस वन लिखना है ठीक है ये टेन माइनस वन हो जाएगा जबकि ये हंड्रेड माइनस वन यानी कि टेन स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं जबकि ये हंड्रेड क्यूब माइनस वन लिखा जा सकता है तो आपका जो वो इंक्वायरी है कि आ, हमने नाइन से ही क्यों मल्टीप्लाई कराया तो उसका आंसर आपको मिल गया ठीक है तो यहाँ पर ऐसे ही होता है ओके अब जो है हमने सेवन बाय नाइन और फिर यहाँ पर दो पार्ट्स में बट जाएंगे एक तो टेन का ग्रुप करा दो टेन टेन स्क्वायर टेन क्यूब एंड सो ऑन ये भी टर्म्स होगा फिर माइनस ये वन भी आपका एन टाइम्स होगा ठीक है तो अब जो है ये टेन टेन स्क्वायर टेन क्यूब का सम कैसे निकालेंगे तो उसके लिए हम जी लगाएंगे क्योंकि ये जी में हैं विद फर्स्ट टर्म टेन कॉमन रेशियो टेन एन टर्म्स आर देयर तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा क्या होता है ए आर पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन और यहाँ पर वन को अगर हमने एन टाइम्स तक ऐड किया है तो एन बनेगा ठीक है इस तरह से हमारे पास यहाँ पर सेवन बाय नाइन आ गया ये टेन और यहाँ पर टेन पावर एन माइनस वन अपॉन में नाइन है माइनस एन ठीक है या तो हम यहाँ पर ही इसको छोड़ दें या फिर हम ये नाइन भी बाहर निकाल दें तो वो हमें फिर इसके नीचे भी नाइन लाना पड़ेगा है नहीं तो, तो हम इसको ले आते हैं तो सेवन में एट्टी वन लिख दिया टेन इन टू में फिर लिखिए ब्रैकेट में टेन पावर एन माइनस वन और माइनस में नाइन एन लिख दीजिए ठीक है और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि इफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर टेन एंड एट एम जो है टेन है और जी एम जो है एट है तो हम नंबर्स मान लेते हैं लेट द नंबर्स आर नंबर्स आर ए एंड बी सो यहां पर क्या है कि ए एम जो है वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाय टू हो जाएगा जो कि टेन के बराबर है इसका मतलब हो गया कि ए प्लस बी जो है वो ट्वेंटी हो गया ठीक है और जी एम की बात करें अगर तो वो होता है रूट अंडर ऑफ ए बी रूट अंडर ऑफ ए बी आपको दिया हुआ है टेन एट क्योंकि ये जी एम है और नंबर्स तो ए और बी हमें पहले भी दिया हुआ ही था तो लेट द नंबर्स हमने सपोज भी कर लिया कोई बात नहीं यहाँ पर ए एम जो है ए प्लस बी बाई टू है वो टेन के बराबर है तो ए प्लस बी हमें ट्वेंटी मिल गया और जी जो है वो एट के बराबर है तो यहाँ से भी देखिए आपको वो रिलेशनशिप पता चल रहा है यहाँ पर भी दो नंबर्स के बीच का जो ए है वो टेन मतलब और जी एम एट मतलब ये हुआ कि ए एम बढ़ा दिया हुआ है जी एम से तो ए एम हमेशा जी एम से बड़ा होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है बराबर हो सकते हैं वो ठीक है तो ए एम और जी एम हमने ये कर लिया अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से आप कैसे निकालेंगे तो ये देखना है आपको तो यहाँ पर अगर हम इनको स्क्वायर करा दें तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा यहाँ से बी की वैल्यू निकालिए वो है 20 माइनस ए ठीक है तो यहाँ पर ए और 20 माइनस ए यहाँ डाल दीजिए ये 64 के बराबर हो गया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस होने वाला है तो ट्वेंटी ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटी फोर हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी ए प्लस सिक्सटी फोर इज इक्वल टू ज़ीरो फिर जो है हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे यहाँ पर है 16a ए माइनस फोर ए प्लस सिक्सटी इज इक्वल टू ज़ीरो फिर यहाँ पर a है a माइनस सिक्सटीन माइनस फोर ए माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस सिक्सटीन ए माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो तो a हमें आ गया यहाँ पर से एक तो 16 दूसरा 4 अब देखिए जब आप ए सिक्सटीन लोगे तो बी आपको कितना मिल जाएगा फोर मिल जाएगा क्योंकि दोनों का सम जो है वो ट्वेंटी है देखिए आपने ए प्लस बी क्या है ट्वेंटी है तो यहां पर अगर ए सिक्सटीन लिया हमने तो बी हमारा फोर आ जाएगा और अगर ए फोर लिया तो बी हमारा सिक्सटीन आ जाएगा ये ऐसे ही आंसर आते हैं तो हम जो है फाइनल आंसर यही लिख सकते हैं ना देयर फोर नंबर्स आर नंबर्स आर क्या क्या लिखेंगे एक हम लिख देते हैं सिक्सटीन एंड दूसरा लिख देते हैं फोर तो इस तरह से हमने छह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करिए कर लिए कर आज के सेशन में और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट जो कि हमें क्लास एलेवेंथ में जरूरी है वो सारे कर लिए हमने जो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड थे इवन इंक्लूडिंग द सप्लीमेंट्री पार्ट वो भी हमने कवर कर लिए जो एन सप्लीमेंट्री के पार्ट थे तो इस तरह से आज जो है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पूरा हो गया ठीक है तो बहुत ही जल्द आपके साथ फिर मुलाकात होगी और तब हम एक कोई नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई रिक्वेस्ट कि इन द नेक्स्ट सेशन आप लोग सारे uh, उपलब्ध रहेंगे सारे प्रेजेंट रहेंगे और uh, तब तक के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस थैंक्स अ लॉट एंजॉय योरसेल्फ